What's up guys, I'm Rohit Kuran and welcome to Cookbook by Rohit. आज मैं लेके आया हूँ ऐसी रेसिपी जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है एंड उससे भी ज्यादा नॉस्टैल्जिक होने वाली है। ये रेसिपी मेरी ऑल टाइम फेवरेट स्नैक रेसिपी है क्योंकि ये बहुत ही चीजी एंड एकदम क्रंची होती है और रेडी भी बहुत जल्दी हो जाती है। आज हम बनाएंगे चिली चीज टोस्ट और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए चिली फ्लेक्स, चीज और टोस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे सॉफ्ट बटर एंड उसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, गार्लिक एंड बटर बहुत जरूरी है, इससे हमारे टोस्ट में एक शार्पनेस आएगी जो फ्लेवर्स को बहुत ही ज्यादा इनहेंस करेगी। अब हम ब्रेड स्लाइस पर गार्लिक बटर की हल्की लेयर लगाएंगे दोनों साइड पर। और इस ब्रेड स्लाइस के ऊपर सबसे पहले ऐड करेंगे चीज, और चीज आपके पास घर पे जो भी अवेलेबल हो उसका यूज करें। मैं यहाँ पहले ग्रेटेड चीज ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा स्लाइस चीज डाल रहा हूँ। इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा सा चॉप्ड येलो कैप्सिकम, चॉप्ड ग्रीन कैप्सिकम चॉप टमेटो चॉप अनियन नमक स्वाद अनुसार थोड़े से चिली फ्लेक्स थोड़ा सा ओरिगेनो एकदम फ्रेशली चॉप्ड धनिया और लास्ट में थोड़ी सी ग्रेटेड चीज डाल के फिनिश करेंगे। अब एक पैन लेंगे और उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे अपनी स्लाइस ऑफ ब्रेड और उसे ढक के पकने देंगे ताकि ओवन वाला इफेक्ट मिले। दोस्तों, एक चीज का खास ध्यान देना है कि गैस का फ्लो रखना है एकदम लो और लो फ्लेम पे तब तक पकाना है जब तक हमारी चीज अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। जितनी देर में चीज मेल्ट होगी उतनी ही देर में ब्रेड भी टोस्ट हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आप अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं और अगर आपको हैलोपिनोज मिल जाए तो उसे तो जरूर ऐड करें। मुझे पर्सनली ब्रेड के साइड्स बहुत पसंद हैं और टोस्टेड साइड्स खाने का तो अपना ही मजा होता है, इसलिए मैंने उनको कट नहीं करा। अगर आप चाहें तो आप उनको कट कर सकते हैं।
तो लगभग 5-6 मिनट हो चुके हैं डक्के पकाते हुए और हमारा चीज टोस्ट एकदम रेडी हो चुका है। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट सर्व कर लेते हैं। मेरे लिए तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है और इसे घर पे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ ब्रेड चाहिए, चीज़ चाहिए, बटर चाहिए और मिर्च चाहिए। ये सब तो होता ही है घर पे। ये देखिए दोस्तों, चिली टोस्ट डन। कितना डिलीशियस लग रहा है, एक बार ये चीज़ पुल देखिए आप, है ना कमाल। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक बार ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको एंड आपके घर में सबको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस को इनेबल करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।